सलाम नमस्ते सश्रीकाल केम छो माय नेम इज नलिनी एंड वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। इस वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड सीक्रेट्स मिलेंगे जिसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और रसीले बनेंगे, साथ ही परफेक्ट मेजरमेंट भी है। तो ये वीडियो बहुत काम का है, देखिएगा ज़रूर और शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बनाएंगे इसकी हम चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी ही पानी लेंगे। तो आप चाहे कितना किलो गुलाब जामुन आपको बनाना हो, कितना ग्राम बनाना हो, तो शुगर आप जितना भी डाल रहे हैं ना, उतना ही पानी पड़ता है गुलाब जामुन की चाशनी में। यहाँ मैंने 1/2 किलो शुगर लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी केसर के कस्टर्ड, इससे कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी। 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनानी होती है, सिर्फ चिपचिपी हो चाशनी ना, जैसे शहद होता है उतनी ही हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए, बस हल्का सा ये चिपचिपा सा लग रहा है, बस ये बन गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और चाशनी को साइड रखेंगे। आज मैं खोए से गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ और मैंने लिया है 1/2 किलो खोया, और खोए की भी पहचान होती है, ये हल्का सा लाल कलर लिए होता है ये खोआ। मार्केट में 2 तरह के खोए होते हैं, एक हल्का सा लाल वाला और एक सफ़ेद वाला। तो आपको सफ़ेद वाला खोआ नहीं लेना है, उसके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते हैं। इस खोए को ना ढाप भी बोलते हैं। अब करना क्या है, इसको ना थोड़ा कद्दूकस कर लीजिए, इससे ना अच्छे से ये मैश हो जाता है और जब हम इसकी गोलियाँ बनाते हैं तो क्रैक भी नहीं पड़ता है। अब इसको इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लीजिए। अब इसमें डालना है हमें मैदा। 1/2 किलो खोए में 30 से 40 ग्राम मैदा पड़ता है। बिल्कुल मैंने एक्यूरेट माप आपको बताया है, मैं यहाँ पे 40 ग्राम ले रही हूँ, लेकिन इनिशियल स्टेज पे सिर्फ 30 ग्राम ही डालूँगी। और इसमें 1/4 चम्मच पड़ेगा बेकिंग पाउडर। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे हमें बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए 1/2 किलो खोए में मैंने कितना कम बेकिंग पाउडर लिया है। अब क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मसल मसल के एक चिकना डो होने तक इसे हमें गूंथना है। 2 से 3 मिनट में ये काम हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1/2 किलो खोए से ना मैंने 1 बड़ा चम्मच खोआ अलग कर लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर, इलायची पाउडर और थोड़ा सा चिरौंजी डालूंगी। ड्राई फ्रूट जो भी आपके घर में हो ना, आप वो डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसको साइड रख देंगे। अब जो डो तैयार किया है ना, सबसे पहले एक छोटी सी गोली बनाइए और इसको ना पहले हम फ्राई करके देखेंगे। अगर ये गोली नहीं फटेगी, इट्स मीन कि जो हमने मैदा डाला था वो एकदम एक्यूरेट है। आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डाल देंगे मैदा ना तो वो हार्ड हो जाएगा। गुलाब जामुन डालते वक्त ध्यान रखें, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से गुलाब जामुन जल जाएंगे लेकिन अंदर से वो पकेंगे नहीं। ये देखिए, बिल्कुल फटा भी नहीं और अच्छे से कलर भी आ गया है। इसको साइड निकालेंगे। इस डो में हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, 30 ग्राम मैदा इसमें लगा। अब इसके 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करेंगे और छोटी छोटी लोइयां इस तरीके से कट कर लेंगे। इक्वल प्रोपोर्शन में कोशिश करें कि हो जाए। अगर आपको मार्केट में सेल करने के लिए बेचना है तो आप एक वेट मशीन ले लें, लोइयों को उसके ऊपर डालते जाएं और एक्यूरेट वेट आपको मिल जाएगा। गोला बनाने के बाद इसको ना थंब से कुछ इस तरीके से दबाइए और जो ये वाला हमने कलर्ड डो बनाया है ना, इसको बीचों बीच डालिए। इसकी भी गोली बना के डालिए ना, उससे और अच्छा सा कलर दिखेगा आपको। और थोड़े ड्राई फ्रूट मैं ऊपर से भी डाल दे रही हूँ, किशमिश भी डाल सकते हैं, आपके पास मिश्री हो मिश्री डाल दीजिए। और ये देखिए, इसको चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे, बस हल्के हाथों से इसको गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से एक चिकना बॉल तैयार हो गया है। और इसी तरीके से सारी गोलियां हम बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो एक साथ बना करके ना रखें, थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएं। नहीं तो क्या होता है, ऊपर की लेयर हार्ड हो जाती है और जब आप तलते हैं तो वो फट जाता है। इस वक्त तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एक एक करके हम इसमें अपने गुलाब जामुन डालेंगे। ये देखिए,
मिठाई में सफिशिएंट ऑयल चाहिए होगा। जब भी गुलाब जामुन बनाएं तो कम तेल में बिल्कुल ना तलें, क्योंकि अगर तेल कम हुआ ना तो आपके गुलाब जामुन चपटे पड़ जाएंगे, यानी कि जो ये शेप है ना डी शेप हो जाएगा और ये बीच बीच से चिपक जाएंगे। और यही रीज़न होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, यही रीज़न होता है कि लोगों के गुलाब जामुन चपटे चपटे बन जाते हैं। ये देखिए क्या गुलाब जामुन तल के तैयार हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नलिनीज किचन, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और सीक्रेट्स हैं इस वीडियो में। इसके बाद आपके गुलाब जामुन कभी नहीं फटेंगे। गुलाब जामुन डालने के बाद हमें इसे चलाते रहना है और इसको बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आँच जो है लो टू मीडियम ही रहेगी। ये देखिए चूँकि इसमें अच्छा ऑयल है और साथ में हीट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसकी वजह से गुलाब जामुन अपनी शेप में है। एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तेल में गुलाब जामुन डालने के बाद ना वो धीरे धीरे करके ऊपर फ्लोट करने लगता है। अगर आप तेज आंच पे डाल देंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। लुक एट दिस, क्या कलर आया है। बस अभी हमें और ज़्यादा इसको काला नहीं करना है, हम एक एक करके निकाल लेंगे इसको और इसके बाद बिल्कुल हल्की गुनगुनी चाशनी में इसको डाल देंगे और इसको ढक करके 2 से 3 घंटा रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। सारे गुलाब जामुन अपनी साइज से बड़े हो जाते हैं। कलर देखिए कितना परफेक्ट, बिल्कुल मिठाई वाली दुकान वाले जो गुलाब जामुन होते हैं ना उन जैसा ये बना है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, सजा सकते हैं उससे, लेकिन ये तो ऐसे ही इतने स्वादिष्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं कि इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लीजिए तैयार है हमारे गुलाब जामुन। वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके काम का हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लुक एट दिस गाइस, कितना सॉफ्ट है। आप बस स्पून डालिए, ये देखिए बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अंदर देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ी है और जो हमने अलग कलर वाला खोया डाला था ना उसकी वजह से देखने में और भी सुंदर लग रहे हैं। पार्टी हो, त्यौहार हो, अपनों को खिलाना हो तो आप बाज़ार वाले गुलाब जामुन मत लेकर के आइए, घर में मिठाइयाँ बनाइए, त्यौहार मनाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। अभी के लिए आपकी नलिनी इजाज़त चाहती है, नमस्कार।